भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर जहां एक तरफ संसद में हंगामा है, तो वहीं भाजपा के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक बयान दिया है और बयान में उन्होंने ये कहा है कि उनको कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर शक है, शक ही नहीं यकीन है। और इसके अलावा उन्होंने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही एक पैमाने में तोलते हुए कहा है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनको सीमा पर चल रहे विवाद की एक भी चीज़, एक भी जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत बिस्वा सरमा। कांग्रेस को पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, आप राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से क्यों पैसा लिया था। जब तक कांग्रेस वो बात एक्सप्लेन नहीं करता है, मैं CM का रूप में नहीं बोल रहा हूँ, हेमंत बिस्वा सरमा का रूप में मैं ही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को ये वॉर का बारे में एक या जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनका बारे में 1% का भी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। जब तक कांग्रेस क्लीन अपने आप को क्लीन सबमिट नहीं करता है, इसलिए कांग्रेस का किसका साथ क्या रिश्ता है वो तो निकालना पड़ेगा ना। आप डेढ़ डेढ़ करोड़ लिया है वो तो रिकॉर्ड का बात है, आगे और कितना लिया था। आपका एम्बेसडर, आपका लीडर एक ही साथ डिनर करता है, उठता है, बैठता है। सर कम से कम मेरा निवेदन होगा कांग्रेस को एक कुछ भी खबर मत दीजिए, कांग्रेस और ओएसी को बिल्कुल मत दीजिए इसका बारे। शौक है ये क्या आप पूछ रहे हैं, आपको शौक है? मेरा तो शौक नहीं, मेरा कन्फर्म है कि कांग्रेस को जब तक वो 1.5 करोड़ का बारे में अच्छा आप लोग का सामने आके स्टेटमेंट नहीं देता है, मेरा सामने नहीं आप लोग का सामने, तब तक कांग्रेस को 0.1 भी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए। हेमंत बिस्वा सरमा के बयान के ऊपर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आखिर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। बड़ा एक घटिया बात करने की उनकी पुरानी आदत रही है, जिस पार्टी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया उस पार्टी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से उनके अपने संस्कार मालूम पड़ते हैं। ऐसे गैर संस्कारवान व्यक्ति के बारे में मैं कोई बात नहीं करना। सरकार की खामोशी आखिर क्या कहती है? सरकार की खामोशी पूरा विश्व सुन रहा है कि किस तरह से मोदी जी अगर बोलते हैं, मुँह खोलते हैं चीन पे तो सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए खोलते हैं। विपक्ष का वॉकआउट, विपक्ष जो कर्तव्य है विपक्ष का, देश के प्रति हम लोगों का जो कर्तव्य है हम वो निभा रहे हैं। सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभा रही, न देश के प्रति, न देश के बहादुर सेना के प्रति। तो जिस तरीके से सीमा पर विवाद चल रहा है और आज जिस तरीके से संसद में विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया है, उसी के दरमियान एक तरफ हेमंत बिस्वा सरमा जो असम के CM है उनका एक बयान आता है, वहीं उसके पलटवार में कांग्रेस की प्रवक्ता पवन खेड़ा का भी बयान आता है और ये तमाम नोकझोंक जो है वो संसद से लेकर पार्टी दफ्तरों में भी अब चलनी शुरू हो गई है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी दिलीप के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।